बुधवार शाम 6 बजे अनुराग सिंह ठाकुर के केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खुशी जताई। अनुराग ठाकुर के घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मौके पर खुशी भी मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित भाजपा आला नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनावों के लिए युवा ब्रिगेड तैयार की है, जिसके परिणाम आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत गौरव अनुभव कर रहा हूं। कोई भी पिता उसका जिसका बेटा केंद्र में मंत्री बने और वो भी कैबिनेट रैंक मिले तो गर्व महसूस करेगा। हम भी सारा परिवार अनुराग के इस प्रमोशन पर गौरवान्वित हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, केंद्रीय गृह मंत्री को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, रक्षा मंत्री को, जिन्होंने इनके काम को अच्छा पाया, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, बात करें क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब राज्य को मिल रही है, कहीं न कहीं कैबिनेट मिनिस्टर यंग एज में गए हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? महत्वपूर्ण दायित्व नौजवानों को दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के उन्होंने शानदार काम किया है, इसके परिणाम स्वरूप ये प्रमोशन मिला है। मैं समझता हूँ वो अच्छा काम करेंगे और जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने व्यक्त किया है उसको, उसके ऊपर खरा उतरेंगे और देश की सेवा बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे। सर, बात करें क्योंकि बहुत बड़ा एक जो उलटफेर हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा यंग ब्रिगेड जो है वो मोदी सरकार में आई है, बींग अ सीनियर बीजेपी लीडर क्या कहेंगे इसमें, कितना जो सामंजस्य है वो बैठेगा इसमें? संविधान के अनुसार ये जो सारा प्रेरोगेटिव है ये प्रधानमंत्री को होता है, किसको मंत्री लेना, किसको नहीं लेना और कब किसको लेना है। आने वाले भविष्य के लिए मोदी जी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे नौजवान लोगों को तैयार करेंगे और उनको पूरा प्रशिक्षण देकर एक शानदार टीम खड़ी करेंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सफलता दिलाएगी और भारत को भी विश्व गुरु बनाने की ओर, एक विश्व शक्ति बनाने की ओर काम करेंगे। तो नौजवानों की उसमें टीम में निश्चित तौर पर मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में अच्छा काम करने की शक्ति होगी तो परिणाम भी अच्छे आएंगे।